लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। मामला पिपरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत अमहा के तेतराही वार्ड नंबर 1 में दर्दनाक घटना घटी है, जिसमें भैंस को नदी पार करा रहे 53 वर्षीय अधेड़ भूपेंद्र शाह की नदी में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। स्थानीय लोगों ने बताया, भूपेंद्र शाह अपने पत्नी और बेटी के साथ भैंस को घर के पास ही परमानी नदी पार करा रहे थे। इसी दौरान तीनों नदी में डूब गया। इस दौरान आसपास के लोग वहां पहुंचे और भूपेंद्र की पत्नी अनारी देवी और उसकी लड़की को बचा लिया, लेकिन भूपेंद्र शाह को नहीं बचा सके। भूपेंद्र शाह नदी की तेज धारा में गहरे पानी में चला गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। हालांकि आनन फानन में भूपेंद्र को पानी से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पिपरा ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में मौजूद डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर सुनते ही घर वालों में कोहराम मच गया। मौके पर पहुंची पिपरा पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। दिलदार खान, सुपौल, बिहार, R9 भारत। नदी में महेश लेके जा रहा था, उसी क्रम में जो है ना महेश आगे चल गया, पीछे से पार कर रहा था। एक बच्चा, एक अपने पत्नी के, तीनों आदमी जा रहा था साथ में। बच्चा डूबने लगा, बच्चा को बचाने के क्रम में जो है ना ये अपना भी डूब गया। बाद में पता चला 10 मिनट के बाद, जब तक इनको पकड़ के निकाला तब तक ये पानी पी लिया था। ठीक है, क्या नाम है उसका? मेरा नाम राजेश कुमार। नहीं, जो जज किया है उसका क्या? भूपेंद्र सर। घर? तेतरा ही। और पिता का नाम? श्री छब्बू सर। पंचायत? घटना हुआ क्या सर? मैं जो है चराने के लिए गया था, वही जो है उस पर भागने का कारण में जो है वही घुमाने के चक्कर में धार में डूब के मर गया। उसका नाम जो है भूपेंद्र शाह है, उसका पिताजी का नाम छब्बू शाह है, घर कतरा ही है। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 1। आपका क्या नाम? उमेश कुमार साहब। अच्छा, अभी कहाँ ले जा रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? सुपौल ले जा रहे हैं पोस्टमार्टम करने के लिए। पुलिस आए हैं यहाँ? जी, पुलिस आया हुआ है प्रशासन। ठीक।